ये देखिए अब फोटो खिंचा ले टॉयस कछुआ इनसाइड हेलो बढ़िया ये अच्छा है यार ठीक है सर ये वाला हार्ड इस तरफ भी बहुत हार्ड है सर देखिए हार्ड होता है ना बहुत हार्ड है सर इस साइड बहुत हार्ड है ना छोड़ गया ना इसको कहीं रहने देना इधर पानी में देंगे इधर से नहीं जा पाएगा देखो दिखाओ इसका निकलता नहीं चेहरा नहीं निकलता कोई जानवर नहीं खा पाता है उसको सब इंसान जानवर खाता है उसको कोई जानवर नहीं खाता है उसको अच्छा अच्छा क्यों आप ये देख रहे हैं अभी वन भवन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वन भवन तुलसी नगर भोपाल में है हम आप यहाँ देख सकते वन्य जीवन सुरक्षित है यहाँ देखिए हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ऑसम लगभग 5 किलो के आसपास का एक 5 किलो का कछुआ आप देख रहे हो ये देखिए इसका चेहरा देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत ये छुप गया है अब इसको कोई कैसे खा सकता है क्यों क्योंकि ये कवर्ड है कम्प्लीटली और इसकी उम्र जो होती है 200-250 साल करीब होती है 500 साल तक पहुंचती है कभी कभार इनकी जो होती है अगर खाना पीना टाइम पे सब मिले तो 5000 साल इसको आपने इसको आपने कैसे देखा ये इसको आपने कैसे पकड़ा कहाँ से यदि इसके नेल्स गिरे पकड़ा नहीं है अभी ये साइड पे सर्वे करने गए थे ये ट्रेनिंग स्टूडेंट हैं सागर इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं ट्रेनिंग करने आए थे तो ट्रेनिंग के दौरान लेवल्स लेने के दौरान इन लोगों को ये कछुआ दिखा तो इन लोगों ने इसको उठाया और यहाँ पर एक सेडिमेंशन टैंक हमने टेम्पररी टैंक एक बना के रखा हुआ है साइड का जो वाटर कलेक्शन जो है वो सब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे वैसे पहले से ही बहुत सारे कछुए हैं यहाँ हैं इसलिए इसको यहीं पे छुड़वा दिया इसकी उम्र कितनी होगी करीबन तकरीबन आप बताइए इसकी उम्र होगी कम से कम 20-22 साल के आसपास होगी 20-25 साल के लगभग इसकी उम्र होगी अच्छा अभी इसकी मात्र ये बच्चा है 25 साल की उम्र में ये बच्चे होते हैं तो बड़े कब होते हैं बड़े कितने साल के बाद 300 के बाद और 300 के बाद वो एजेड हो चुके नहीं मुझे तो लगभग 100 साल मुझे तो ऐसा लगता है इनकी एज होती है 200 साल आप क्या बोल रहे हैं कितने साल होती है इनकी एज मतलब हमारे साथ 300 साल होता है उसके बाद ये मर जाता है अच्छा 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 मतलब 100 साल में ये आप देख रहे हैं ये कछुआ जो टॉर्टोइस जो है ये जो वन्य क्षेत्र है क्या नाम है इस क्षेत्र का कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वन भवन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वन भवन जैसे कि कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है ये इसकी आईज और इसके 10 नेल्स 5 नेल्स इसमें 5 नेल्स इसमें और पीछे यदि हम काउंट करते हैं पीछे भी है सर एक सेकंड दिखाएं उसका पीछे देखिए 1 2 3 बहुत ही करीब से कछुए को देखने को मिला और 5 नेल्स इस साइड मिलते हैं ऐसे इससे तो इसकी काफी कीमत होगी तो इसकी कीमत लाखों में जाएगी लाइए दिखाइए जरा कम से कम उसका चेहरा दिखाएं बड़ी बात यह है कि वन्य क्षेत्र में क्योंकि इसका फिर उपयोग लोग पूजा के लिए करते हैं आपने बायोडायवर्सिटी को डिस्टर्ब नहीं किया आप इसको नीचे छोड़ दें क्रेडिट जाता है इसका पूरा क्रेडिट जाता है मिस्टर मृत्युंजय सर को और गुप्ता सर को ये देखिए हमारे विजय गुप्ता जी हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं ये भी जानवरों से बड़ा इनका लगाव है आप देख सकते हैं 5-10 किलो है 5 किलो से तो कम है 5 किलो का 5 किलो नहीं 5 किलो से ज्यादा है सर अरे 5 किलो से ज्यादा ही है क्योंकि हम लोग तो वेट के मामले में बहुत अच्छे से आप देखिए कितना वेट है आप देखिए कितना वेट है मैं देखता हूँ इसका वेट एक बार देखा जाए वाओ ऑसम ऑसम मैंने आज तक इतना सुंदर कछुआ और इतना खूबसूरत कछुआ मैंने कभी देखा ही नहीं मैंने कभी पढ़ा था हम पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं इसलिए इस जीव को कई लोग जो होते हैं लेबर्स वगैरह बोलती है सारा आप हमको दे दीजिए हम इसको बना के खाएंगे और गोश्त बहुत अच्छा होता है नहीं 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 गलत है पर्यावरण से बहुत प्यार करते हैं तो इसलिए हम कभी नहीं देते हैं इसको हम कभी खाएंगे नहीं 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 अरे आप ये सोचिए आपका मात्र एक दिन का भोजन बनेगा जिसकी 300 साल की उम्र आप उसको मारते हैं ये नेचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट आपको पता है ये पूरा ये साफ करता है पूरा जल साफ करता है और पूरा मतलब जितनी काई वगैरह होती है मतलब अगर कछुआ है कछुआ स्वयं विष्णु भगवान का एक रूप भी है कच्छक भगवान इनको बोलते हैं आप देख सकते हैं इनको भगवान क्यों माना गया क्योंकि ये पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी को जी अभी हमने इसको जमीन पे छोड़ दिया है अभी डर के मारे हम लोगों के डर के मारे जी अभी दूर हटिए जैसे ही सभी लोग दूर हटेंगे आप उसके देर बाद वो खुद ही अपने आप उसके पास खड़े भी रहेंगे तो भी वो डर के मारे अभी उसने सब अपने पैर और मुंडी सब अपने कवच के अंदर करके रखा हुआ है जैसे हम लोग थोड़ा दूर हटेंगे हटिए सभी लोग थोड़ा सा दूर नहीं आप पास भी रहेंगे तो भी वो चलने नहीं चलेगा नहीं चलेगा थोड़ा सा दूर हटो आप देखिए आई लव एनिमल्स वाओ ऑसम निकल रहा है देखिए निकलेगा आप खड़े भी रहेंगे कुछ नहीं होगा मुंडी कम से कम ये 8 इंची तक इनकी मुंडी निकलती है बाहर जी जी
आप उसको थोड़ा पीछे से उसको फोकस मारें आप उस पर जी। हाँ जी हाँ जी जी फोकस मारेंगे तो आप बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी उसकी जी। हाँ जी ऑसम खाने में सामने बच जाइए निकलेगा वो कोई दिक्कत नहीं है वो समझते हैं मैं भी इतनी क्षमता होती है। ये पर्यावरण विद है ये पर्यावरण मिस्टर मृत्युंजय जी ऑसम ऑसम। ये देखिए चलने की वाओ 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 ऑसम। आप बैठे रहिए कुछ नहीं करेगा आप बैठे रहिए डर ही नहीं। अरे मैं डर नहीं रहा हूँ मैं उसके लिए जगह दे रहा हूँ कि बेचारा सही ढंग से अपने सही क्षेत्र पे पहुँचे और पूरी परफॉर्मेंस वाओ ऑसम बहुत ही अच्छा। ऐसा टॉर्टोइस ना आपने कभी देखा होगा ये इसका श्रेय पूरा पूरे रिसर्च स्टूडेंट्स को जाता है जिन्होंने इसको खोजा और इसको सही जगह पे पहुंचा रहे हैं। इनकी सही जगह जो है तालाब है और छोटे छोटे जलकुंड हैं तो जो पास में है वहाँ पे इनको अभी डाला जाएगा इनको प्रॉपर वे पे। वाओ ऑसम। अब इन्होंने थोड़ा सा हाथ पैर चलाना चालू किया है और रियली ग्रेट टॉर्टोइस लव टू सी दिस टॉर्टोइस। आप इसको डाल दीजिए वहीं पे बिल्कुल बिल्कुल आप इसको लेके जाएं जी इसको पानी में लेके सर देंगे जी जी इसको इसको सही जगह पे आराम से देखो लैंडस्लाइड होगा वहां से वेरी गुड उधर नहीं उधर पानी अच्छा। में छोड़ना उसको थोड़ा आगे पत्थर जो है वहां छोड़ो उसको उल्टा करके फेंक दे उल्टा नहीं फेंकना नहीं फेंकना नहीं प्यार से रखिए वो चला जाएगा। ये चला गया ये चला गया। अब आप यही पानी को 10 दिन बाद देखिएगा जहां पे कछुओं की पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग अपना नाम बताइए। रवि कुशवाहा। इंजीनियर संदीप गुप्ता। इंजीनियर संदीप गुप्ता जी। इंजीनियर रवि कुशवाहा। इंजीनियर रवि कुशवाहा जी। इंजीनियर जी मेशर भुयान जी। इंजीनियर साहब प्रतीक जायसवाल। प्रतीक जायसवाल इंजीनियर। जयेश पाटिल। जयेश पाटिल जी। और आप गार्ड साहब आपका सारा श्रेय इनको ही जाता है इन्होंने खोजा है। सारा श्रेय अखिलेश जी को जाता है इनकी। अच्छी लगी कि जी इनने किसी जानवर को बचाया उसको सही जगह पे छुड़वाया। हम लोगों को खबर दी कि कछुआ साइड पे निकला हुआ है तो उसको उसकी जगह पे उसके घर पे यहाँ आप देख सकते हैं घर बनाया हुआ घर जी। ये उनका नेचुरली घर बना हुआ है जी। यहाँ पर रहना ये बहुत पसंद करते हैं। यहाँ लगभग कम से कम अभी 4-5 कछुए और अवेलेबल हैं। अच्छा अच्छा ये मतलब ये इस क्षेत्र में आपको कई कछुए दिखेंगे और अगर आपको कछुए लाइव देखना है तो आप एड्रेस बताएंगे मृत्युंजय सर। सेक्शन ऑफ न्यू 11 तुलसी नगर भोपाल लिंक रोड नंबर 2। लिंक रोड नंबर 2 में आप आइए और कछुए के दर्शन कीजिए। कछुए के अलावा आपको कोबरा भी दिखेंगे। बिल्कुल जी लेकिन 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 मुझे आपके आपने जिस तरीके से ये देखिए हनी बी भी दिख रहे हैं कौवे दिख रहे हैं कबूतर दिख रहे हैं सभी कुछ दिख रहे हैं। लेकिन मुझे आपकी बात से एक चीज़ याद आई जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने एक बार जब पक्षी को बचाया तो जब शुद्ध मतलब अपने पिताजी के पास गए भगवान बुद्ध और उनके भाई दोनों भगवान बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ और शुद्ध उनके पिताजी के पास गए तो जब पिताजी के पास पहुँचे तो पिताजी ने ये जजमेंट दिया कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। इसलिए आपका नाम है मिस्टर अखिलेश सक्सेना जी। आप जी बहुत अच्छा आप जैसे सबकी ऐसी सोचो जिससे विश्व कल्याण होगा और पर्यावरण सुरक्षित होगा शुद्ध हवा मिलेगी शुद्ध वायु मिलेगी शुद्ध जल मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करिए क्योंकि बारिश चालू हो गई है और बारिश में आप वृक्षारोपण मानसून चालू हो गया वृक्षारोपण करिए ज़्यादा पेड़ होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य दुनिया में है वृक्ष लगाना इसीलिए हर वृक्ष को धर्म से जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि वृक्ष ही ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आज देखिए कई शहरों में ये हालत है कि लोग मास्क लगा के बच्चे जा रहे हैं। हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? दिल्ली चीन देखिए। अब आप ये सोचिए कि बच्चे सुबह से अपने बैग की जगह मास्क लगा के जाएं मतलब बाहर जाए तो सफोकेशन हो लाइफ को खतरा हो ऐसी ज़िंदगी हम क्या दे रहे हैं। हमें पर्यावरण को शुद्ध करना बेहतर करना ज़्यादा प्लांटेशंस करना है। और कुछ बोलना चाहेंगे कि इस मानसून में वृक्षारोपण के लिए हम तो ये जानते हैं अगर आप जितने एनिमल्स की हेल्प करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने हमारी पूरी टीम ने एक कछुए की जान बचाई कुछ कुत्ते जंगली कुत्ते उस पर अटैक करने वाले थे गार्ड साहब हाँ, हाँ। लोगों ने इनने उसको बड़ा बचाया। सकते हैं कुत्ते को साइड पे ऐसे कुत्ते कई सारे घूम रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं कोई वन्य प्राणी को ही क्योंकि वो इकोसिस्टम का एक पार्ट है। हाँ। वो अपना कार्य करेंगे लेकिन हमारा कार्य है कि बचाना हमारा और वृक्षारोपण करना है। इस धरती पे सबसे बड़े जानवर जो है वो इंसानी ही होते हैं जो कि पेड़ काट रहे हैं जीना हराम हो गया जानवरों को मार रहे हैं सही बात है पीट रहे हैं
और आप एकदम सही बोले कि जो पेड़ काट रहे हैं, पेड़ बस एकमात्र ऐसा जीव है पूरे पृथ्वी में जिसको आप काटोगे भी तब भी आपको छाया देगा। आप कितना भी हानि पहुंचाओगे वो आपसे दुश्मनी कभी नहीं लेगा, तब भी आपको फल देगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को फल देगा, फूल देगा, सब कुछ देगा। पेड़ ऐसा है, ऑक्सीजन देगा, आप भले चाहे कितना भी उनके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, है ना। बहुत अच्छा कार्य किया, मतलब काबिले तारीफ जो कार्य किया है। आप ये समझिए कि आप एक वृक्ष लगाते हैं, 100 साल के लिए आप ऑक्सीजन दे, दुनिया में आप ऐसा कार्य करके जाते हैं जो किसी ने नहीं किया। और मैं इस मानसून में सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और वृक्षारोपण करके पृथ्वी को सुरक्षित करें। वृक्षारोपण करने के साथ साथ जानवरों की भी थोड़ी रक्षा करें। हाँ, जानवरों की रक्षा करें और पृथ्वी को बहुत ही बेहतर बनाएं। बेहतर ऐसे बनाएं कि वृक्ष रहेंगे तो ज़्यादा पक्षी आएंगे तो ज़्यादा प्लांटेशन होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा प्लांटेशन, जैसे आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं, आप नहीं लगा सकते, लेकिन एक पक्षी लगाएगा तो पत्थर में भी खिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें मानसून से पहले। तो जितने बीज हैं आम के, जामुन के, जो भी आप खाते हैं, कहीं पर भी डालिए, उससे वृक्षारोपण होगा। आपको मनमानी, आपको साल भर के अंदर जो भी आपकी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, वृक्ष लगाइए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए, और बहुत नेक कार्य हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू गार्ड साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संदेश दूर तक जाना चाहिए, जिससे आपको, आप जो संरक्षण का कार्य कर रहे हैं वो लोगों जनमानस तक पहुंचना चाहिए। और सही बात है, मारने वाले से हमेशा बचाने वाला श्रेष्ठ होता, बचाने वाला हमेशा आपका कदरदान रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।